गाइस वेलकम टू ऑटो टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार की एम्बियंस लाइट की इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने मार्केट में देखा होगा, आप इस फीचर में भी देख रहे हैं कि आपको एम्बियंस लाइट दिखाई दे रही है और इनके अंदर हम डिफरेंट्स कलर्स आते हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं। ये जैसा कि मेरे पास एम्बियंस लाइट है, ये इसका अडैप्टर है, कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर के अंदर हमारी चार वायर हैं जो कि चार अलग अलग LEDs को पावर सप्लाई करती हैं। मेन जो LEDs की पोजीशन होगी वो एक होगी ड्राइवर, तो जो मेरी इंस्टॉलेशन होगी वो बिल्कुल उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी वायर विजिबल ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कलर्स दिखा देता हूँ। अभी करंटली मैं इसको सिगरेट लाइटर में ही लगा रहा हूँ, बट बाद में मैं इसके कनेक्शन अलग तरीके से करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जो फर्स्ट लाइट है मैंने ड्राइवर साइड पर, दूसरी लाइट मैंने इधर इंस्टॉल की है। अब जो मेरा कंट्रोलर होगा उसको मैं सेंट्रल कंसोल के बिल्कुल पीछे डालूंगा और मेरी वायरिंग बिल्कुल सेंट्रल कंसोल के बीचों बीच से होते हुए और एक मेरी जो ड्राइव कंडक्टर साइड जो है उसकी साइड मैंने लाइट लगाई और दूसरी ड्राइवर साइड सीट्स के नीचे। अब जो मेरा कंट्रोलर है मैं उसको बिल्कुल सेंटर कंसोल के अंदर हाइड कर दूंगा और वायर्स को भी हाइड कर दूंगा ताकि वायर विजिबल ना हो। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो के अंदर वायर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। अब ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो मेन पावर सोर्स है मैंने उसको कट ऑफ कर दिया है, जो सिगरेट लाइटर में जो अडेप्टर लगता है उसको हटा दिया है और अब मैं इसका जो कनेक्शन करूँगा वो मैं करूँगा फोग लाइट के स्विच के साथ। जैसा कि मेरी कार का डिज़ायर मॉडल है और इसके अंदर फोग लाइट है, ये फोग लाइट का स्विच मैंने ओपन कर लिया है और अब इस फोग लाइट के स्विच के अंदर हमारी दो टाइप की वायरिंग होगी। एक तो होगी जो हमारी पार्किंग लाइट के साथ ऑन हो जाएगी, दूसरी जो होगी वो होगी हमारी फोग लाइट के साथ। अब जो मैंने इसमें जो कनेक्शन किए हैं ये किए हैं, जैसे ही मैं फोग लाइट को ऑन करूँगा मेरी एम्बियंस लाइट भी ऑन होगी, मैं फोग लाइट को ऑफ करूँगा मेरी एम्बियंस लाइट भी बंद हो जाएंगी। जैसे कि अब मैं फोग लाइट को ऑन करूँगा, ये देखिए मैंने फोग लाइट को ऑन किया, सो मेरी LEDs ऑन होगी। आप इसे वैसे भी आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से आप इसको पावर सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको डोम लाइट से भी सप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट सिगरेट लाइटर में भी प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। जब आपका मन किया यूज़ किया, आपने सिगरेट लाइटर में अडेप्टर लगाया और आपने जो लाइट्स का जो इफेक्ट है वो आपने इंजॉय किया, बाद में आपने हटा दिया। अदरवाइज़ आप इसको डोम लाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। कभी भी आप गाड़ी के डोर पैनल्स को ओपन करोगे, डोर्स को ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट ग्लो हो जाएगी, जैसे ही बंद करोगे बंद हो जाएगी। बट मैंने इसको सिगरेट लाइटर में कनेक्ट किया है ताकि कभी भी मैं आगे अपनी फोग लाइट को ऑन करूँ तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए और मैं चाहता हूँ कि रात को मुझे नहीं चाहिए इनका इफेक्ट, तो मैं फोग लाइट को बंद करूँगा सो मेरी एम्बियंस लाइट भी बंद हो जाएगी। अब इसके अंदर जो मेन है हमारी क्या है, डिफरेंट मोड्स हैं, हमारे लाइट्स के डिफरेंट मोड हैं। सो सबसे पहले मैं जो आपको दिखाऊंगा रेड कलर है ये हमारा, अब ग्रीन, ब्लू, ये हमारा वार्म, ये इफेक्ट है हमारे, डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट हैं ये। आप दूसरा इफेक्ट देख सकते हो जो कि हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड हैं। इस
रिमोट की हेल्प से। जैसे अब इसके अंदर म्यूजिक का जो दिया गया है, इसमें क्या है, अगर आप इस म्यूजिक को सिलेक्ट करते हो तो जो रिदम जो होगा ना लाइट्स का, वो आपके म्यूजिक के बीट के हिसाब से होगा। जैसे कि साउंड अभी आप इसमें आपको थोड़ा ऑडिबल कम हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका कोई भी साउंड प्ले होगा तभी आपकी लाइट ग्लो करेगी, अदरवाइज आपकी लाइट ऑफ रहेगी। ये हमारा ब्राइटनेस कंट्रोलर है ऊपर, जो वाइट कलर के दो स्विच हैं, ये ब्राइटनेस कंट्रोलर है। इनसे हम ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं ब्राइटनेस को फिलहाल कम कर रहा हूँ। आप ब्राइटनेस अपने मूड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो मेरी लाइट्स ओके हैं। अब मैं जो पैनल्स है उनको लगा देता हूँ और अपना ये जो हाइड कर देता हूँ बिल्कुल, ताकि विजिबल ना हो वायरिंग वगैरह कहीं से भी। जैसा कि आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लाइट विजिबल है, वायरिंग कहीं से भी विजिबल नहीं है। ये रियर व्यू है हमारा। सो लाइट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।